जब भी कोई मेल रिप्रोडक्टिव एज में आता है, या फिर ऐसा कह लो कि वो प्यूबर्टी पे आता है, या फिर वो जब एडल्ट होता है, तो उसके हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में होता है, वो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है और वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और वहाँ से FSH और LH रिलीज करवाता है, और वो FSH LH डायरेक्ट टेस्टिस के पास जाता है और वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है, स्पर्म बनवाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी स्पर्म और एक के बारे में समझेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो जो फर्टिलाइज करता है। तो आपने कहीं सुना होगा, आपने सोसाइटी में, अपने आसपास में देखा होगा कि जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे आपने देखा होगा कि कोई एक जैसे होते हैं, कोई मेल फीमेल भी होता है, या फिर हो सकता है कि वो दोनों मेल होते हैं या फिर दोनों फीमेल हो जाते हैं। आखिर ये जुड़वा बच्चे होते कैसे हैं? तो आज इस ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे के बारे में समझेंगे कि आखिर ये कैसे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप सबको मेरा नमस्कार, मैं धीरज कुमार। तो सबसे पहले इस चीज़ के बारे में समझने के लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आखिर ये मेल के अंदर स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है और फीमेल का जो ओसाइट यानी कि जो एग यानी कि जो अंडा होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले हम बात कर लेते हैं मेल के अंदर जो स्पर्म होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि किसी भी एनिमल का जो नॉर्मल सेल होता है उसका जो आउटर कवरिंग होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो स्पर्म भी ह्यूमंस का एक नॉर्मल सेल है, इसके अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। जो सबसे आउटर कवरिंग होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा हेड के पास। इसी हेड में इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है और इसी न्यूक्लियस के ऊपर टोपी जो आप देख रहे हो वहाँ पे एक्रोसोम होता है, उसको एक्रोसोम कहा जाता है। एक्चुअली ये गोल्जी बॉडी का मॉडिफाइड रूप होता है। इसी एक्रोसोम में स्पर्म लाइटिक एंजाइम होते हैं जो अंदर उस ओवम को डाइजेस्ट कर पाएंगे, जो एक के अंदर जो आगे हम समझेंगे उसके अंदर जो आउटर कवरिंग होता है उसको भेद पाएंगे, उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है। फिर इस नेक के पास दो सेंट्रियोल्स होते हैं। अगर बात करें इस मिडिल पीस के बारे में तो मिडिल पीस में बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है ताकि ये पावर दे सके, इसमें एनर्जी दे सके। नॉर्मल जो बॉडी का जो ह्यूमंस का जो सेल होता है वो ग्लूकोज तोड़ के एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है। स्पर्म एक इकलौता सेल है हमारी बॉडी का जो फ्रुक्टोज तोड़ के एनर्जी बनाता है। तो फ्रुक्टोज तोड़ने के लिए यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और स्पाइरली अरेंज होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इसमें हम घुसा सके, टूट सके, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक जाना होता है, फर्टिलाइज करना होता है। इसलिए इसमें मोर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए इसमें फ्लेजला होता है जिसको एक्सोनीम कहा जाता है, और ये फ्लेजला की वजह से ये मोटाइल हो सकता है और मोटाइल मोटिलिटी होती है इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल के अंदर जो ओजेनेसिस, जैसे मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ है उसी तरह से फीमेल के अंदर ओजेनेसिस होता है, और मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ था उससे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था, उसी तरह से फीमेल में ओजेनेसिस के बाद फॉलिकल्स का यानी कि जो फॉलिकल्स के बाद वो उसमें डेवलपमेंट होता है और वो सेकेंडरी ओसाइट बन जाता है। तो उसके बारे में समझे, जैसे कि मैंने बताया मेल के अंदर जो प्यूबर्टी आने के बाद इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत होती है, यानी कि 14-15 साल के बाद उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया वो जो हार्मोन आता है उससे स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में जो ओजेनेसिस शुरू होता है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाता है, यानी कि जब वो अपने माँ के गर्भ में लगभग 22 हफ्ते की होती है तो उसके अंदर ओजेनेसिस शुरू हो जाता है। अब ओजेनेसिस जब 70 लाख करीब ओजेनेसिस बन जाता है, फॉलिकल बन जाते हैं, ओगोनिया सेल बन जाते हैं, जितने भी ओगोनिया बनने हैं ना 70 लाख पूरा बन के तैयार हो गया है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन के तैयार हो जाता है। जन्म के बाद या फिर जब उसमें प्यूबर्टी आती है फिर कोई ओगोनिया नहीं बनता है, जितना बनना होता है उसी 22 हफ्ते में जब वो अपने माँ के गर्भ में होती है तो बनकर तैयार हो जाता है। धीरे धीरे वो जब जन्म लेती है तो उसमें करीब 2 लाख ओगोनियाँ बचते हैं। जैसे जैसे उसमें प्यूबर्टी आती है यानी कि वो जब एडल्ट हो जाती है तो लगभग 60 से 80 हज़ार ओगोनिया पर ओवरी बचता है, जिसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोल देते हैं, और यही प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे डेवलपमेंट होते हैं और हर महीने एक एक निकल के तैयार हो जाता है, और वही एक जब स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो एक जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, जिससे एक बेबी का निर्माण हो जाता है। अगर हम एक आइडियल बात करें कि एक जो एग होता है, एक जो ओवम होता है फीमेल का, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें अगर, तो एक जो ओवम होता है इसके अंदर जो
सबसे अंदर का जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली वही फर्टिलाइज करके ओवम बनता है, एक बनता है जिसको सेकेंडरी ओसाइट बोलते हैं। उसके बाद जो कवरिंग आप देख रहे हैं उसको जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं, उसके बाद के कवरिंग को क्रोना रेडिएटा बोलते हैं। जैसे कि मेल के अंदर फ्लेजला होता है, टेल होता है जिसे मूव कर पाता है, लेकिन ये एग मूव नहीं कर सकता, इसमें मोटिलिटी नहीं होती है। इसी फेलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। सिलिएटेड एपिथेलियम का मतलब होता है सिलिया जो होता है ना चप्पू की तरह चलता है, जैसे नाव चलता है एक डायरेक्शन में चलता जाता है, उसी तरह से सिलिया उसी तरह से मूव करता है। इसी फेलोपियन ट्यूब इस एग को मूव कराता है और फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचा देता है। और जब आफ्टर क्वाइटस जब स्पर्म वेजाइना में जाता है तो ये स्पर्म इस यूट्रस के होते हुए इस फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और वहां पे फर्टिलाइज होता है। अब हम बात करते हैं ट्विंस बेबी कैसे होता है। अब जैसे कि यहाँ फर्टिलाइज किया, इस फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म और एग फर्टिलाइज किया, और फर्टिलाइज करने के बाद ये दो जायगोट बन गया। इसमें यही दो जायगोट में क्लीवेज डिवीजन होती है। इसी फेलोपियन ट्यूब में क्लीवेज डिवीजन एक तरह का स्पेशल डिवीजन है, ये नॉर्मल डिवीजन नहीं होता है। ये जब धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट होने के बाद ये जब एम्ब्रियो बन जाता है और इस यूट्रस के एंडोमेट्रियम में धंस जाता है। एक्चुअली एंडोमेट्रियम जो होता है ना वो यूट्रस का सबसे इनर पार्ट होता है। एंडोमेट्रियम में यानी ये जो एम्ब्रियो है जो बनकर तैयार हुआ है आफ्टर क्लीवेज डिवीजन, ये इसके अंदर इम्प्लांट होता है, इसके अंदर धंसता है। और जब ये धंसेगा यानी कि दो बनाए जायगोट, ये दोनों अलग अलग से डेवलपमेंट हो गए और ये आइडेंटिकल बेबी होगा। आइडेंटिकल बेबी इसलिए होगा क्योंकि ये एक स्पर्म और एक एग के फर्टिलाइजेशन से दो जायगोट बने हैं। अब दो जायगोट बने हैं तो इसको बिल्कुल आइडेंटिकल बेबी होगा। आइडेंटिकल मतलब कि सेम तो नहीं कह सकते लेकिन सेम जैसा ही दिखता है। आपने देखा होगा सोसाइटी में या फिल्मों में, जैसे जुड़वा मूवी में देखा होगा, फिल्म में तो कुछ ज़्यादा ही दिखा देते हैं, तो उसमें देखा होगा कि लगभग आइडेंटिकल उनका जो सेक्स होगा वो भी सेम होगा। अगर दोनों मेल होंगे तो मेल होंगे, फीमेल होंगे तो फीमेल होंगे, क्योंकि ये दोनों एक स्पर्म और एक एग के फर्टिलाइजेशन से बना है। तो एक जो होगा हो सकता है 22 प्लस एक्स हो या फिर 22 प्लस वाई हो। 22 प्लस एक्स अगर क्रोमोसोम इसके न्यूक्लियस के अंदर होगा तो फीमेल होगी, और 22 प्लस वाई होगा तो वो मेल होगा। तो इस तरह से जो भी होंगे वो आइडेंटिकल, उनका सेक्स भी सेम होगा, उनका शक्ल भी सेम होगा, उनका बिहेवियर भी सेम लगभग लगभग होता है। इसलिए देखा जाता है कि जो बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनका दिमागी रूप से भी वो जुड़े हुए रहते हैं। अगर आप उनको दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे तो उनका जो दिमाग का स्ट्रेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन आइडेंटिकल चाइल्ड के बारे में, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में। तो उसमें क्या होता है कि ये अलग अलग दो स्पर्म अलग अलग एक से फर्टिलाइज करते हैं जिससे दो जायगोट बनता है, और ये दोनों जायगोट इस यूट्रस के इनर वॉल यानी कि एंडोमेट्रियम में धंसता है और दोनों का डेवलपमेंट होता है जिससे दो बेबी निकलती है। ये आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल है, ये नॉन आइडेंटिकल है क्योंकि ये अलग अलग दो स्पर्म और अलग अलग दो एग से फर्टिलाइज किए हैं। तो ये दोनों अलग, इनका सेक्स अलग हो सकता है या सेम भी हो सकता है। अगर दोनों स्पर्म में 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स होगा तो फर्टिलाइज करेगा तो लड़की होगी, या फिर दोनों में 22 प्लस वाई 22 प्लस वाई तब जाकर के फर्टिलाइज करेगा तो दोनों लड़का होगा, या फिर एक स्पर्म में 22 प्लस एक्स हो और दूसरे में 22 प्लस वाई हो तो वो जब फर्टिलाइज करेगा तो मेल फीमेल आ सकती है। यानी कि नॉन आइडेंटिकल के केस में सेक्स सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको एग्जैक्टली ये नहीं बताया है कि आखिर ये ट्विंस बेबी होता क्यों है। देखिए इसका जवाब अभी तक साइंस को नहीं मिला है, अभी तक इस पर रिसर्च जारी है, अभी भी कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला है ताकि ये बताया जा सके कि आखिर ये ट्विंस कैसे होता है। हालांकि रिसर्च के बाद पता चला है कि कोई समूह है, कोई जनजाति है, कोई जगह है जहाँ पे ट्विंस बेबी ज़्यादा होती है, जैसे कि अफ्रीका। अफ्रीका में ट्विंस बेबी कुछ ज़्यादा देखा गया है, तो वहाँ पे ज़्यादा होती है। और तीसरे केस में ये भी होता है कि मान लीजिए कि कोई कपल जो है वो इनफर्टाइल है, हो सकता है मेल इनफर्टाइल हो यानी कि उसका लो स्पर्म काउंट हो, या फिर स्पर्म आता ही नहीं हो उसके सीमेन में यानी कि जो स्पर्मिया हो, या फिर हो सकता है कि फीमेल के केस में भी उसका फेलोपियन ट्यूब खराब हो क्योंकि वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, या फिर उसका सेकेंडरी ओसाइट यानी कि एग नहीं बनता हो अच्छे तरीके से। तो उस केस में इन कपल्स को IVF के पास जाना होता है। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होना, और इन वीवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना जो नेचुरल तरीके से इस फेलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ये लैब में स्पर्म और जो फीमेल का जो गैमेट होता है एग होता है उसका फर्टिलाइज करवाते हैं, इसलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो डॉक्टर वहाँ पे क्या करते हैं कि चांसेस को ज़्यादा बढ़ाने के लिए कि ये जो कपल्स हैं, ये जो लेडी है, जो फीमेल लोग कंसीव कर सके, उसमें ना दो एम्ब्रियो डाल देते हैं, दो एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर देते हैं ताकि हो सकता है कि ये दोनों डेवलपमेंट हो जाए, ताकि दो ट्विंस बेबी आ जाए।
ये दोनों ऑफ कोर्स नॉन आइडेंटिकल होंगे क्योंकि अलग अलग दो स्पर्म और अलग अलग एक से फर्टिलाइज होते हैं, दो एग दो इम्ब्रियो बना है, तो उस केस में भी ट्विंस होने का चांसेस ज़्यादा होता है जो आईवीएफ की तरफ जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये ट्विंस बेबी कैसे होता है, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है किसी एक आइडियल स्पर्म का या फिर एक का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।